देखते हैं इसका, सिक्स नंबर हमारे पास दिया है AD इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर, DB इक्वल टू में दिया है 4.5 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू में दिया है 8 सेंटीमीटर। फाइंड करने के लिए यहाँ पे कह रहा है AC। हमारे पास यहाँ ऊपर दिया हुआ है कि DE पैरेलल है BC के, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AD बाय DB जो वैल्यू दी है उसी के हिसाब से AE बाई में इधर EC हो जाएगा, और हमें AC निकालना था, इन दोनों का वैल्यू ऐड कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। चलिए ये आपका है 4 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर, AE है आपका 8 सेंटीमीटर और EC हम लोग पहले निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4EC इक्वल टू में हो जाएगा 8 इंटू में 4.5 सेंटीमीटर, ये जाएगा डिवाइड में, तो EC इक्वल टू में 8 इंटू 4.5 सेंटीमीटर बाई 4, ये कट जाएगा 2 टर्म्स में, यानी कि यहाँ पे EC जो हो जाएगा 4.5 इंटू 7 टर्म्स में 9 सेंटीमीटर EC आ गया। हमें निकालना है AC, तो AE और EC को ऐड कर देंगे, therefore AC इक्वल टू में क्या हो जाएगा AE प्लस का EC, तो AE का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर और इसका 9 सेंटीमीटर, यानी आ जाएगा 17 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए।